गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चिल्ड्रन, अगेन आई विल कंटिन्यू माय लेसन। फेस्टिवल, फेस्टिवल इट मींस त्योहार। ठीक है, आई एक्सप्लेन दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल: नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रीजनल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। These two type of festival, I explained that what is the national festival and what is the religious festival. Now today, I will explain that what is the harvest festival. Harvest festival क्या होता है बच्चों? जब क्या होता है, धान की कटाई होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे आप आपके घरों में क्या है, अगर पेरेंट्स क्या है खेती करते हैं तो आपने देखा होगा धान की खेती। ठीक है, अनाज की खेती जब उनकी क्या होती है, कटाई होती है, जब उनको काटते हैं, पकने के बाद जब उनको काटते हैं तो उसमें उसके बाद क्या होता है, उसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। और हर स्टेट में क्या होता है, इसको सेलिब्रेट करने का क्या होता है डिफरेंट वे होता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बैसाखी। आवर फर्स्ट टॉपिक इज बैसाखी। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन पंजाब। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन पंजाब। बैसाखी क्या है, कब मनाया जाता है, एज ए न्यू ईयर पंजाब में क्या है, एक नए साल के रूप में मनाया जाता है। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। क्यों कहते हैं बच्चों ये बैसाखी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या होती है, धान की अनाज की जो भी होता है उसकी क्या होती है, कटाई होती है, तो इसलिए उसको क्या है सेलिब्रेट किया जाता है एज ए न्यू ईयर। पंजाब में क्या है, न्यू ईयर की तरह, और ये उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th अप्रैल एवरी ईयर। ये हर साल बच्चों कब मनाया जाता है बैसाखी, 13 अप्रैल। ठीक है, कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ऑन दिस डे पीपल परफॉर्म भांगड़ा और पॉपुलर डांस ऑफ पंजाब। इस दिन क्या होता है, पीपल क्या परफॉर्म करते हैं, भांगड़ा और डांस ऑफ पॉपुलर डांस ऑफ पंजाब। ये भांगड़ा क्या है, पॉपुलर डांस है पंजाब का। ठीक है, जैसे यू कैन सी दैट क्या कर रहे हैं, भांगड़ा। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, तो ये पंजाब का क्या है, एक पॉपुलर डांस है। लोहरी, लोहरी इज ऑल्सो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। लोहरी भी क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है पंजाब का। लोहरी इज द फेस्टिवल, लोहरी फेस्टिवल इज मीन्ड टू सेलिब्रेट द विंटर हार्वेस्ट इन जनवरी। इट मीन्स दिस पीपल सेलिब्रेट इन जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी, बिकॉज दैट टाइम इज वेरी कोल्ड एंड इट इज इंजॉयड अराउंड अ वार्म बॉनफायर। ये क्या करते हैं, जनवरी में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और आग जला करके क्या करते हैं, इसके चारों तरफ आग जला करके क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये कब करते हैं, रात में क्या है, आग जला करके इस फेस्टिवल को क्या किया जाता है, इंजॉय किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ओणम। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम क्या है, केरला का क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ओणम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ओणम सेलिब्रेटेड इन केरला। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरला। पीपल मेक कलरफुल रंगोलीज विथ फ्लावर ऑन दिस डे। पीपल्स मेक कलरफुल रंगोली, क्या बनाते हैं लोग, कलरफुल रंगोली विथ फ्लावर्स ऑन दिस डे, फूलों के साथ और क्या है, रंगों के साथ वो क्या करते हैं, कलरफुल रंगोली बनाते हैं। एलिफेंट्स आर ड्रेस्ड अप ब्यूटिफुली एंड आर टेकन अराउंड टाउन्स एंड विलेजेस। एलिफेंट्स आर ड्रेस अप, उस दिन क्या किया जाता है,
एलिफेंट्स, हाथी को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया जाता है एंड टेकन अराउंड टाउन्स एंड विलेजेस। और वो क्या करते हैं, टाउन्स और विलेज का क्या लेते हैं, राउंड लेते हैं, चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते हैं। अ स्पेशल स्वीट इज कॉल्ड पायसम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस। अ स्पेशल स्वीट डिश होती है केरला में, उस दिन क्या कहते हैं उसे, पायसम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, और किससे तैयार किया जाता है, राइस से। अ स्पेशल फीचर्स ऑफ ओनम इज द बोट रेस हेल्ड ऑन दिस डे इन केरला। अब जो ओनम है, ओनम में जो फेस्टिवल है, इनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हाथी को क्या है, तैयार करके चारों तरफ उसको घुमाया जाता है, टाउन्स में विलेज में घुमाया जाता है। इनकी जो डिश होती है, स्वीट डिश होती है, उसे पायसम कहते हैं। अब वो किससे तैयार होती है, चावल से। अब इस दिन क्या होता है, ओनम के दिन क्या होता है, इन लोगों की केरल में क्या होता है, बोट रेस होती है। ये किस दिन होती है, ओनम के दिन, जिस दिन ओनम सेलिब्रेट होता है उस दिन क्या होती है, बोट रेस होती है। जैसे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट, ये क्या है, यहाँ पर बोट रेस क्या हो रही है, ठीक है, बोट रेस हो रही है। इन लोगों की ऐसी बोट होती है तो क्या होती है, बोट रेस होती है। नेक्स्ट इज पोंगल। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। कहाँ सेलिब्रेट किया होता है, तमिलनाडु में। इट इज द सेलिब्रेटेड इन जनवरी। ये कब सेलिब्रेट होता है, जनवरी में, ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। पोंगल कहाँ सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में। कब सेलिब्रेट होता है, जनवरी में। द सेलिब्रेशन लास्ट फॉर 3 days। कितने दिन तक चलता है, 3 दिन तक। पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग राइस। पोंगल जो राइस बनता है वो किससे बनता है, बॉइलिंग राइस से, विथ मिल्क एंड जैगरी, ठीक है। ये क्या है, पोंगल राइस बनता है मिल्क से और जैगरी से। ऑन द सेकेंड डे, देखो फर्स्ट डे तो क्या है, वो बॉइलिंग राइस बनाते हैं, और सेकेंड डे क्या करते हैं, सेकेंड डे सन गॉड इज वर्शिप्ड। सूरज भगवान की क्या करते हैं, सूर्यदेव भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे तो क्या है, बॉइलिंग राइस करते हैं, बॉइलिंग राइस बनाते हैं किसके साथ, मिल्क से और जैगरी के साथ। दूसरे दिन क्या करते हैं, सूरज भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये क्या करते हैं, कुछ चावल भी बना रहे हैं, और क्या है, सूर्यदेव भगवान की क्या करेंगे, पूजा भी करते हैं। ऑन द थर्ड डे दे वर्शिप कैटल। और तीसरे दिन क्या है, वो कैटल की पूजा करते हैं। कैटल होता है बच्चों, जो अनाज होता है उसकी क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं उसे कहते हैं कैटल, तो उसकी क्या करते हैं, ये लोग पूजा करते हैं। ब्यूटिफुल रंगोली इज मेड टू डेकोरेट दियर हाउसेस। ये लोग भी क्या है, रंगोली से क्या है, अपने घरों को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। नवरोज ऑन 21 मार्च पारसेस सेलिब्रेटेड दियर न्यू ईयर एज ए नवरोज, ठीक है। नवरोज कौन सेलिब्रेट करते हैं, पारसे। और कब सेलिब्रेट होता है, 21 मार्च को। दे क्लीन एंड डेकोरेट दियर हाउस एंड हैव अ फीस्ट ऑन दैट डे, ठीक है। ये इस दिन क्या करते हैं, अपने घर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज बिहू। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम का। बिहू फेस्टिवल क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का। वुमन वेयर ब्राइट साड़ी एंड डांस टुगेदर। वुमन्स क्या करती है, इस दिन साड़ी पहनती है और क्या करते हैं, ये लोग डांस करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन आंसर। नेम द फेस्टिवल, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। आपको क्या दिया है बच्चों, क्लूज दिए हैं और आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। क्रिसमस, होली, दशहरा, बैसाखी, ओणम, पोंगल।
एफिगी ऑफ रावण इज बर्नट. तो यहां पर क्या आएगा, जिस दिन क्या है, रावण को जलाते हैं. ठीक है, जीसस क्राइस्ट बर्थडे, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जीसस का बर्थडे कब सेलिब्रेट होता है. भांगरा डांस इज परफॉर्म, भांगरा जो डांस होता है वो कब परफॉर्म्ड होता है. बोट रेस इज हेल्ड, बोट रेस कब होती है. प्लेइंग विथ कलर्स, आप कलर से कब खेलते हैं. सन एंड कैटल आर वर्शिप, जब हम सूरज और कैटल की क्रॉप्स की मतलब पूजा करते हैं वो कब करते हैं. तो आपको क्या है, ऑप्शन दिए हैं, आपने इस ऑप्शंस में से यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है. नाउ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बिकॉज फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस जॉय एंड एड कलर्स टू आवर लाइफ्स. फेस्टिवल हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, खुशियाँ लाता है और कलर्स को क्या है, ऐड करता है हमारी लाइफ में. व्हाट आर नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और जो गांधी जयंती होती है उनको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज ए नेशनल फेस्टिवल. हु टेक्स द सल्यूट ऑन रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के दिन कौन सल्यूट लेता है. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑन रिपब्लिक डे, कौन लेता है, प्रेसिडेंट. जो हमारे देश का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, वो क्या लेता है, सल्यूट लेता है. नेम टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, टू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर बैसाखी एंड ओणम. हु अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट में कौन नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है, कौन करता है अनफर्ल, अनफर्ल मतलब होता है फहराना. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अनफर्ल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर. When is Eid celebrate? Eid कब celebrate की जाती है. Eid is celebrated after the holy month of Ramzan. Ramzan के बाद क्या है, Eid celebrate किया जाता है. So children, this chapter has been finished. Okay? Thank you children. Have a nice day.